दोस्तों करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2023 एंड आई एम योर होस्ट आशीष। आइए देखते हैं कि प्रीवियस वीक में करेंसी पेयर्स में कैसे कैसे बिहेव किया और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 103.41। आरएसआई के हिसाब से ये 40-60 के बीच में है, करेंटली 44.67। जो कैंडल है ये कैंडल आपका एक नेगेटिव कंटिन्यूएशन कैंडल है। प्रीवियस वीक का जो नेगेटिविटी था उसके बाद आपका एक फॉलो थ्रू मिला है, लेकिन फॉलो थ्रू मिलने के बाद भी इमीडिएटली एक सपोर्ट जोन है जो है आपका 103 से 103.40। पिछले हफ्ते में थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अभी मंडे ऑनवर्ड्स क्या इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करते हैं नीचे की तरफ, ये हमें देखना पड़ेगा। मंथली जो चार्ट है वो है आपका रेंज शिफ्ट ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। ऑलमोस्ट इसीलिए क्योंकि नवंबर मंथ अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी भी आपका फ्यू ट्रेडिंग डेज आर लेफ्ट। So it's a range shift. What it indicates, उसके बाद range shift के बाद sell upticks on a monthly time frame, यानी weekly में या daily में कोई भी अगर bounce back मिलते हैं December month onwards, तो dollar index के हिसाब से short कर सकते हैं। Although dollar index is not a trading currency, but other currency pairs में accordingly हम position build up कर सकते हैं। आपका जो dollar rupee है, dollar rupee का weekly closing 82.3। यहाँ पे क्या हो गया, साइडवेज कंसोलिडेशन है, नथिंग न्यू। कंसोलिडेशन जब तक रहते हैं तब तक कुछ बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड भी है, बिकॉज ऑफ विच रुपी जैसे ही स्ट्रेंथ दिखाते हैं बायर्स टेक चार्ज एंड टेक द डॉलर रुपी टुवर्ड्स 83.25 से 83.30 के बीच में। अभी काफी दिनों से ये 83.30 के आसपास क्लोज दे रहे हैं। यहाँ पे एज ऑफ नाउ कुछ कह नहीं सकते, हमें इंतजार करना पड़ेगा ये साइडवेज कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करने के लिए। अभी आते हैं आपका जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में जो है आपका वीकली क्लोजिंग वो है आपका 1.2595। यहाँ पे अच्छा खासा तेजी है, जो तेजी इसको लेके जा सकते हैं 1.27-1.2750 की तरफ। मंथली भी सपोर्ट दिखा रहे हैं। डेली पे जो चार्ट था वो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस को फ्राइडे को ब्रेकआउट किया एंड ऊपर जाके क्लोज दिया। इन सच केस व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मोमेंटम इन सच केस, बाय डिप्स मे बी। जीबीपी आईएनआर वीकली जो क्लोज दिया है वो है 104.99। अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी यहाँ पे हमने देखा है एंड अपवर्ड मोमेंटम जारी है। इमीडिएटली आरएसआई 60 पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर सकते हैं। 59.61 अभी है, मंथली में भी 60.11 में है। सो एज फार एज द आरएसआई इज कंसर्न्ड, क्या ये आपका 105.40 के आसपास क्या रेजिस्टेंस लेते हैं या नहीं, या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। यूरो आयनर आपका यूरो डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.0932। आरएसआई अप्रोचिंग 60 करेंटली एट 58.20। मंथली कंसोलिडेशन से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। Daily above 60. Considering all these factors, only concern is weekly RSI 60. Currently at 58.80. So, इस zone पे क्या resistance लेता है euro dollar? Euro INR जो weekly close दिया है वो है आपका 91.16. During the week नीचे के तरफ retrace करने का प्रयास किया था, लेकिन price bounce back करके ऊपर जाके close दिया हुआ है। RSI above 60, 63.72, monthly above 60, 61.68, and daily be above 60. That being the case, यहाँ पे काफी bullishness
ड्यू है, यानी आपको आगे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं अमॉन्ग द फोर करेंसी पेयर्स, व्हाट आर दे, जीबीपी डॉलर, जीबीपी आईएनआर, यूरो डॉलर, यूरो आईएनआर, ये चार करेंसी पेयर्स में यूरो आईएनआर मे बी कंसिडर्ड द बेस्ट एज फार एज द बाइंग इज कंसर्न्ड। सो आपका जब भी बाइंग कोई अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो चारों में से इस करेंसी पेयर्स को आप देख सकते हैं। डॉलर येन जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है 149.40 पे। यहाँ पे वीकली कैंडल जो है एक डोजी कैंडल एक पिन बार कैंडल बनाया हुआ है आरएसआई अबव 60, ये आरएसआई 60 में आते आते फिर ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है मंथली अबव 60, यानी यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है एज फार एज द मंथली एंड वीकली इज कंसर्न। डेली पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ है 147 ऑन द लोअर साइड एंड 151 ऑन द हायर साइड, इस रेंज के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट साइडवाइज वॉलेटाइल चॉपिंग मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 55.73, ये एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, ऑल्दो इट्स ग्रीन इन कलर बट एक नेगेटिव, यानी आपका आरएसआई बिलो 40 एज फार एज वीकली इज कंसर्न्ड एंड मंथली इज ऑल्सो बिलो 40। सो मंथली एंड वीकली आरएसआई के हिसाब से काफी बेयरिशनेस यहाँ पे। डेली पे ये 53.43 है, ये 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें देखना है 55.20 ऑन द लोअर साइड एंड 56.50 ऑन द हायर साइड, इस रेंज के बीच में डेली में कैसे बिहेव करते हैं ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी आते हैं कैंडी, डॉलर कैंडी जो वीकली आपका क्लोज दिया हुआ है वो है 1.3624, यहाँ पे जो लोअर एंड ऑफ द रेंज में आया हुआ है। मंथ वीकली का जो प्राइस एक्शन है पहला तो है रेंज शिफ्ट, आपका 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो इसके कारण वीकली पर्सपेक्टिव में अच्छा खासा एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर कैंडी पे। मंथली में भी एक रेंज शिफ्ट है जिसके कारण यहाँ पर भी हम एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और रह गया आपका वीकली का जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पे एक ये जो 6 नवंबर का लो है उसके लो के नीचे अगर क्लोज दे देते हैं आने वाले दिनों में और फर्दर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट बीइंग द केस कंसीडरिंग ऑल द एस्पेक्ट डॉलर कैंडी में सेल ऑप्टिक्स में बी कंसीडर्ड। ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो 0.6580 पे अच्छा खासा बुलिशनेस देखा गया, ये जो बॉक्स रेंज था उसमें अच्छा खासा ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक आउट किया हुआ है, रेंज शिफ्ट भी है 40 में, मंथली में भी इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 40 एंड ट्राइंग टू मूव हायर, दैट बीइंग द केस मंथली एंड वीकली पर्सपेक्टिव में आरएसआई अगर कंसीडर करेंगे तो ऑसी डॉलर में एक बुलिशनेस बिल्डअप हो रहे हैं। अगर डेली में देखेंगे डेली का जो बॉक्स रेंज के ऊपर है दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ये ऊपर गया हुआ है, सो देयर आर हायर चांसेस ऑसी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 0.6725 to 0.6800। सीएनएच में अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहे हैं, ये वीकली जो क्लोज दिया 7.1380, आरएसआई अप्रोचिंग 40, 43.41, मंथली आरएसआई आल्सो रेंज शिफ्ट दिख रहा है, सो यहाँ पे सीएनएच में एक स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर सीएनएच में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आने वाले महीने में दिसंबर जनवरी महीने में एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एज फार एज द डेली इज कंसर्न्ड डेली के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे टाइम पास करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करने देते हैं, उसके बाद टाइम पास करने के बाद अगर लोअर एरिया को रेंज को ब्रेक डाउन करते हैं इन सच केस एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज सीएनएच में हम डॉलर सीएनएच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड वीकली जो क्लोज दिया है 80.81, आरएसआई वीकली साइडवाइज, आरएसआई मंथली साइडवाइज, ये रेंज शिफ्ट करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। एंड डेली का जो प्राइस एक्शन है वहां पे ये प्रीवियस जो सपोर्ट था उसमें रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो देखने वाला चीज है आरएसआई डेली आरएसआई एट 40, ये डेली आरएसआई 40 देयर आर पॉसिबिलिटीज कि या क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है 4.472, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है,
दिया नहीं, डोजी मतलब नथिंग ग्रेट, ओनली थिंग इज दैट पॉज, इसके हाई के ऊपर थोड़ा कंटिन्यूएशन, लो के नीचे फॉलो थ्रू। सो ये जो डोजी कैंडल का हाई एंड लो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आरएसआई इज कंसर्न्ड, आरएसआई इज बिलो 60 एट 55.60, वीकली आरएसआई मंथली आरएसआई अबव 60। सो यहां पे मींस सॉफ्टनेस तभी होगा जब मंथली पर्सपेक्टिव आरएसआई ये बिलो 60 में जाके क्लोज दे देते हैं। डेली आरएसआई में थोड़ा सा सपोर्ट 40 में लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज व्हाई यहां पे एक बाउंस बैक कंसोलिडेशन एंड बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस है, तो सेल अपडेट्स में भी कंसीडर। जब तक आरएसआई 40 के नीचे स्ट्रांग क्लोज नहीं दे देता, ज्यादा कुछ सेलिंग में अपॉर्चुनिटी भी हमें नहीं मिल सकता। US 2-year treasury जो आपका weekly close दिया 4.95, ये range shift देख के weekly में नीचे आने के लिए प्रयास कर रहा है, but ये जो monthly RSI above 60, this is resisting, is defending the further fall. So जब तक monthly RSI below 60 नहीं आ जाते हैं, तो strong sell off हम यहाँ पे expect नहीं कर सकते। daily पे जो हम देख रहे हैं, daily का ये आपका कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा साइडवाइज एक रेंज बना रहा है। लेट द रेंज बी मींस दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में एक पर्टिकुलर रेंज, इस रेंज के बाद जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ, एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकते हैं। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, one more reminder, request all to subscribe. Thank you and have a great day.